बढ़िया ना, जय राम जी की, जय राम जी। थैंक यू सो मच। पांडे के सर के साथ भी देखा, जय श्री कौन सी फिल्म देखे? चलिए हम भी बैठ करके देखेंगे आप लोगों के साथ। आए वहाँ खड़े हैं, आइए अंदर आप लोग। आने दो भाई, अरे आने दो, टिकट कटवा करके आइए। देखने के लिए आप लोग 80 वाला टिकट दो। अच्छा वापस आई है तीसरी बार, क्या बात है। थिएटर यश जी बताइए, यहाँ एक महिला खड़ी है, तीसरे शो देखने जा रही है आपकी फिल्म का, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, मैं ये तीसरी बार क्या है कि ये ऐसे लोगों की वजह से ही भोजपुरी सिनेमा चल रहा है जी। और ये लोग डेली 400 देखते हैं, बताइए। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे दर्शक जो है ना, ये मैं वो आदमी नहीं हूँ कि स्टेज के ऊपर बोलूँगा कि ये लोग भगवान हैं और पीठ पीछे मैं उल्टा सीधा बोलूँगा। मैं सच में बोल रहा हूँ कि अगर यश कुमार के पास दो वक्त की रोटी है तो आप लोगों का दिया हुआ है। आप लोग नहीं होते तो शायद मेरे पास दो वक्त की रोटी नहीं होती। आप लोग नहीं, सच है, आप लोग फिल्म देखते हैं, उसी फिल्म से प्रोड्यूसर हमको लेकर के फिल्म बनाता है, और हमारे पास जो कुछ भी आप लोगों की देन है। बस यही कहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा में एक दौर ये भी था कि यहाँ पर 300-400 लोगों की भीड़ होती थी, और ये दौर थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, जो इतने दर्शक नहीं आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ना भोजपुरी को बढ़ाइए, क्योंकि भोजपुरी हमारी भाषा है। सारे लोग जो अपनी अपनी भाषा की फिल्मों को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं तो फिल्में बनती हैं। आप लोग आना बंद कर देंगे तो भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और मैं दिल से बता रहा हूँ कि बड़ा रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों का, ये लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं फिल्म देखने आपकी। क्या नाम है बेटी? नैन्सी नाम है आपका। पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी में। ये फिल्म हमने बच्चों के लिए ही बनाई है, इसमें छोटे छोटे हीरोइन का जो बचपन का रोल है आपके जैसी ही है, क्यूट सी बच्ची है, और वो हाथी के साथ खेलती है। आपको डर लगता है हाथी से? हाथी से डर नहीं लगता है? कभी देखा है आपने हाथी सामने से? उसके ऊपर बैठी हो? नहीं। आप जब भी हाथी मिले तो इसको बिठाना। अब मेरे को अगर पता होता ना तो मैं हाथी लेके आया होता यहाँ पे प्रमोशन में, और तुम्हें बिठा के घुमाता है यहाँ पे। यश जी, ये बहुत बड़ा, मेरे आंखों देखी, मैं खुद अभी, इन्होंने कहा कि ये तीसरा शो देखने जा रही है, जो कि मैं सुनता हूँ कि लोग भोजपुरी पिक्चर देखने नहीं जा रहे, लेकिन मेरे आंखों देखी ये चीज़ है। आप भी देख रहे हैं, एक महिला बता दी कि 300 बच्ची जो है यहाँ आई हुई है, जो कि भोजपुरी फिल्म देखने के लिए आई है, ये अपार प्रेम देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपार प्रेम, मैं इसीलिए मैं बताया था, शायद लास्ट इंटरव्यू में मैंने बताया था कि जब पूरी इंडस्ट्री वही लहंगा चोली ढोंढ़ी में घुसी हुई थी ठाकुर ठाकुराइन में, तो मैंने पारिवारिक फिल्में बच्चों के लिए फिल्में बनानी शुरू कर दी थी, इसलिए कि ये बच्ची फिल्म देखते हुए या इस बच्ची को फिल्म दिखाते हुए इसके पिताजी की आंखों में कहीं ये शर्म ना हो कि यार मैं क्या दिखाने लेके बच्ची को आ गया। इसलिए मैं साफ़ सुथरी फिल्में बनाता हूँ, परिवार के लिए फिल्में बनाता हूँ, और हर साल कम से कम 2 फिल्में मैं बेटियों के लिए बनाता हूँ। बिटिया छठी माई के बनाई थी बेटी के ऊपर, बिटिया छठी माई के पार्ट 2 मैंने बेटी के ऊपर बनाई थी, बेटी नंबर 1 बनाई थी मैंने बेटी के ऊपर, लाडो बनाई, लाडो 2 बनाई है, हाथी मेरे साथी बनाई है, और मैं आगे भी बेटियों के लिए फिल्म बनाता रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसे सिनेमा का निर्माण करूँ, ऐसी फिल्में बनाऊँ जो बिना पलक झपकाए भोजपुरी का हर दर्शक अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बीबी के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ करके बिंदास होकर देखे। यश जी, आपने जो शुरुआत की थी जानवरों से के साथ फिल्म बनाने की, मुझे लगता है शायद सांप से शुरू हुआ था, उसके बाद कुत्ता, फिर बंदर, फिर घोड़ा, अब सबसे बड़ा जानवर हाथी है, इसके बाद क्या बचा? सिर्फ मैं आनंद जी बताऊं, अगर डायनासोर इस पृथ्वी पर उपलब्ध होता तो मैं पक्का डायनासोर के साथ फिल्म बनाता, लेकिन जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, मैं पहले कुत्ता बंदर लेकर के आया, सांप लेकर के आया,
फिर घोड़ा लेकर के आया, फिर दूसरी फिल्म में दो कुत्ता लेकर के बनाया, अभी अभी मैंने हाथी लेकर के बनाई है। और मुझे इसी तरीके से प्यार मिलता रहा, थिएटर का सपोर्ट मिलता रहा, दर्शकों का प्यार मिलता रहा, तो शायद आने वाले दिनों में शेर भी आएगा और रियल शेर आएंगे। मैं कोई ग्राफिकल शेर के साथ शूटिंग नहीं करूँगा। अगर मुझे प्यार मिला मैं बैंकॉक जाऊँगा, थाईलैंड जाऊँगा, मैं रियल शेर के साथ शूटिंग करूँगा, भालू के साथ शूटिंग करूँगा, जो भी ऐसे जानवर, चिंपैंजी हो गया, किंग कॉन्ग देखा होगा आपने, तो ये आदि मानव टाइप के जो चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ों के साथ शूटिंग करूंगा। आप लोग बस अपना प्यार देते रहिए। नकली मगरमच्छ भी उठा लेते हैं एक आध बार महाराज? अरे नकली मगरमच्छ वो उठाते हैं जिनको मगरमच्छ से डर लगता है, मुझे अगर उठाना हो तो मैं असली उठाऊंगा। एक बार माइक यहाँ दर्शकों के पास लीजिए। हाथी को लेकर यश जी फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन फिल्म भोजपुरी में बन रही है, आप लोग अपना विचार बताइए क्या? अच्छी है सर, दूसरा टिकट लिया हूँ मैं, लिए हैं, ऐसी फिल्म बना रहे हैं यश जी, इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? अरे हम अच्छा, कितने लोग हैं जो दोबारा इस फिल्म को देखने आए, जरा हाथ उठाइए, कौन देखेगा दोबारा? ₹60 का टिकट, फिर ₹80 का टिकट, क्या बात है, क्या बात है चाचा, बहुत अच्छा। आइए आज हम भी बैठ करके सिनेमा घर में फिल्म देखेंगे, सिटी बजाया जाएगा। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू मेरे भाई। अरे चाची कैसी हो आप, सब बढ़िया? एक बार ये दर्शक वापिस आप बताइए कैमरे में देखते हुए, आप बहुत बड़े फैन हैं। जी सर जी, एक बार वापिस बोलिए, यश जी के फैन हैं आप? बहुत, मैं फैन हूँ। वाह, और देखिए इनकी बीबी भी देख रही है, कंटिन्यू वीडियो कॉल पर बनी हुई है। तो यश जी जरा हाथ उनको दिखाइएगा। थैंक यू भाभी जी, आपको भी आना चाहिए था फिल्म देखने। आ तू अकेले चलेला मरबो, उनका कहा ना लेला है सगरी मजा, अकेले मरबो उभर नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज शादी के बाद पहली बार, 2 साल के बाद पहली बार पति की फिल्म देखने आई हूँ, और देखने का ये भी रीज़न है कि फिल्म की निर्मात्री हूँ, तो देखना बनता है कि मेरे हीरो ने काम कैसा किया है। एक्चुअली जब हमारी शादी हुई 2022 में, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार पिछले काफ़ी फिल्में आपने ऐसी बनाई हैं जो बड़े नॉर्मल बजट में बना दी है, कुछ बड़ा सा धमाका करिए। मैंने कहा क्या बड़ा धमाका करूँ, तो बोली कि नागराज बना दीजिए। तो नागराज और चंडालिका हमने बनाई है, जिसका ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज़ होगा और वो भी थिएटर में लेके आएंगे। भारी भरकम फिल्म है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने करोड़ उसमें या कितने लाख VFX पे खर्चा किया है, पर इतना बोलूँगा कि भोजपुरी के दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ग्राफिकल फिल्म है, जिस फिल्म का नाम है नागराज और चंडालिका। 15-20 दिन के अंदर उसका ट्रेलर आएगा आप लोगों के बीच में, और नवंबर के एंड तक वो फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। फिर लाडो रानी आएगी, हाथी मेरे साथी तो बवाल हमने खर्चा किया उस पर, और रिस्पॉन्स अच्छा मिला है उसका दर्शकों का, तो मैं बहुत नतमस्तक हूँ, और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है भाई। हाँ हो, आ रही है अगला महीना। हाँ हाँ, मेरी कहानी की अगर मैं बात करूं तो एक इंटरव्यू कर रहा था मैं यशुमार का, तो उन्होंने कहा कि भाई कई सारे इनपुट्स निधि भी देती है स्टोरी लाइन में और बाकी चीज़ों में, हाथी मेरे साथी को लेकर कुछ स्पेसिफिक आपने कहा था इन्हें? देखिए बहुत एज अ क्लियरली हमारा ये रहता है कि यश कुमार एंटरटेनमेंट जब भी फिल्म बनाए तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज़ रिपीट है या क्या है या ये बोर हो गए। अगर फिल्म आई है तो आंखों से आंसू निकलनी ही चाहिए। नहीं लिखता हूँ तो मैं बैठ करके पहली लाइन इनके साथ जाके शाम को डिस्कशन करता हूँ, और ये सच है कि बेटा मैंने ये एक फिल्म सोची है और इसको मैं बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बीच में भी एक फिल्म मैंने लिखी थी, मुझे लगा था कि ठीक है फिल्म, इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मज़ा नहीं है फिल्म, तो मैंने ड्रॉप कर दिया, फिलहाल वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने हाथी मेरे साथी का सुनाई, बोले कि बम्पर है ये फिल्म बनाइए, अलग है कुछ। नागराज और चंडालिका की कहानी जब मैंने लिखी, ये सारी कहानियाँ मैंने लिखी हैं, तो इन्होंने कहा कि ये अच्छी फिल्म है इसको बनाइए। लाडो रानी जब हम लोग प्लान कर रहे थे तब भी हमारा यही हुआ। तो हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो चूँकि अनुभव अच्छा जी, हमें अरे पीछे से देखा था हुआ तो हाँ, तो वो डिस्कशन के बाद ही हम लोग फैसले ले पाते हैं कि हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। निधि जी एक शायरी है, मैं अकेला चला था, कारवा बनता गया जी, और मैं पहली बार सुपर सिनेमा में आया यश जी की पिक्चर का रिव्यू करने के लिए। मैं देख रहा हूँ, पहले तो मुझे एक जने दिखाई दी कि एक नहीं तीसरी बार है, फिर मैंने देखा कि और काफी लोग यहाँ फैन लगे हैं, एक तो अलग तरह के फिल्म करते हैं और कारवा बना लिया इन्होंने, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ये जो है इनको मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती हूँ, बिकॉज एक्टिंग तो सब करते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर
खुद एज एन प्रोड्यूसर खुद ही क्यों ना हो या किसी और के लिए भी, ये आदमी जिस डेडिकेशन से फिल्म में घुसते हैं, एक वक्त पे तो ऐसा होता है कि बेबी हम फिल्म कर रहे हैं, ये सपने में भी ऐसा रहेगा कि नहीं ये शॉट छूटा है, इसमें ऐसा किया जा सकता है। तो डेडिकेशन लेवल में मैं इनके आगे किसी को नहीं समझती हूँ। चाहे वो जोकर में रस्सी से मार खाना हो, इनके पूरे पीठ में स्क्रैचेस आते थे, ब्लड्स निकले थे, मैं इनसे झगड़ती थी कि ठीक है आप कभी यू नो स्पॉन्ज से कीजिए या ये, लेकिन नहीं, इनका था कि नहीं रियलिस्टिक लगना है तो लगना है और काम करते रहे। तो डेडिकेशन लेवल इनका इतना है कि मैं बोलने से भी ख़त्म नहीं हो सकता है। निधि, आप लोगों की आप फिलहाल तो घर परिवार संभाल रही है ज़्यादातर, अभी सोचा है जब निर्मात्री के तौर पे उतरी तो एक प्रॉपर निर्मात्री बन जाऊं। लोग एज एन एक्टर तो बहुत ज्यादा प्यार दिए, मेरे दर्शक जो मेरा दूसरा परिवार है बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अब मैं चाह रही हूं कि यश कुमार एंटरटेनमेंट, जो भी लोग अगर फिल्म देखे तो बोले नहीं ये यश कुमार एंटरटेनमेंट की फिल्म है, और ये ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब के साथ जाके देखा जा सकता है। तो अब उसी पे ही काम है, उसके बाद और भी कुछ है जो बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है हमारे घरेलू फिल्म बनावत है, हाथ अश्लील गाना ना बनावत है, लागत ढोड़ ली मैं आग मिटाऊ कहां। ये देखिए ये मेरी कमाई है, मैंने यही कहा था कि मैं एक पारिवारिक फिल्म बनाता हूँ जिसको सब देखें, तो ये मेरी कमाई है जो ये मेरे भाई ने बोल दिया।